जय श्री कृष्णा, जय गुरु। गीता धाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिलीप सिंह गौर, केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 12th के लिए आज आपके सामने हाजिर हूँ। हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आज केमिस्ट्री के नए सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था से स्टार्टिंग करेंगे। आप 11th से आप प्रमोट होकर 12th कक्षा में आए हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, हम स्टडी को जो है ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रूप में जारी रखते हैं ताकि हम धीरे धीरे सब्जेक्ट के टच में रहेंगे और हम कंटेंट वाइज कंसेप्ट वाइज धीरे धीरे स्टडी को जारी बनाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। पदार्थ की तीन अवस्थाओं के अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, इसमें आपको जो हम पदार्थ का एक रूप देखते हैं, पदार्थ के तीन रूप मुख्यतः हमें देखने को मिलते हैं। अवस्था, अवस्था का मतलब अगर हम बात करें अवस्था से, अवस्था का मतलब होता है स्थिति, जिसको कह सकते हैं पोजीशन, स्टेट। कि किस पोजीशन में कोई पदार्थ लाई कर रहा है उसको हम अवस्था के अंतर्गत देख सकते हैं, अवस्था के अंतर्गत उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अब पदार्थ को मुख्यतः तीन अवस्था बट गए, एक होती है ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव अवस्था और जो तीसरी अवस्था है वह है गैस अवस्था। ये तीनों की स्थिति का अध्ययन करने पर हम किसी भी पदार्थ के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। और पदार्थ क्या है वो हम सभी जानते हैं कि नग्न आंखों से हमें जब दिखाई देता है पदार्थ, जिस पर कोई स्थान घेरता है, किसी का आकार होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, वो सभी पदार्थ के अंतर्गत आता है। ये हम उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं या हमें अनुमान लग जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं, अपने जो 12th के सिलेबस में पदार्थ की एक अवस्था के बारे में जिसको कहा जाता है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। अब ठोस अवस्था के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं या देखते हैं तो हम एक अंदाजा लगाते हैं ठोस किसे, ठोस पदार्थ के क्या क्या गुण रहेंगे। एक पदार्थ ठोस है तो क्यों है ठोस, अगर हम बात करते हैं ठोस के बारे में, अगर हम ठोस के बारे में अगर बात करते हैं तो कोई पदार्थ जो है वो ठोस होता है तो क्यों होता है, उसकी भौतिक स्थिति कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है, उसके बारे में हम अपन निश्चय करते हैं। तो ठोस का सबसे पहला गुण होता है कि ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है कठोर, इंग्लिश में कह सकते हैं हार्ड। ठोस पदार्थ जो होते हैं वो कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। एक दूसरा इसके लिए पॉइंट होता है कि इनका आकार निश्चित, अर्थात इनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है। कहने का मतलब ये पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करते हैं, इनका आकार जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। आकार निश्चित, ज्यामिति भी क्या होगी इनकी, निश्चित होगी, ये अपने देखते हैं। अब इनकी बात आती है कि ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, क्यों, इनकी कठोरता, इनकी कठोरता का मुख्य कारण, इनकी कठोरता का मुख्य कारण क्या होता है, अवयव कणों के मध्य अत्यंत कम दूरी। इनकी कठोरता का मुख्य कारण है कि इनके अवयव कणों के मध्य जो दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, कम दूरी होती है, तथा इनकी जो ज्यामिति है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। इसकी वजह से ही कोई ठोस जो होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। अब एक और चीज, कोई भी पदार्थ जब है उसके अंदर जो अवयव कण होते हैं उनके मध्य निश्चित गति होती है, तो निश्चित, अब इनकी आकार निश्चित है, ज्यामिति निश्चित है। अब ज्यामिति भी निश्चित क्यों है, क्योंकि इनके अवयव कण अपनी माध्य स्थिति के आसपास कंपन करते हैं। इनके जो अवयव कण है वो माध्य स्थिति के आसपास कंपन करते हैं। कि मान लो कि ये ठोस की संरचना है और इसके जो अवयव कण है, जैसे कि सपोज दे दिए इनके अवयव कणों के अंदर अपने आपस में जब गति होती है, गति ना होकर ये अपने इर्द-गिर्द ही कंपन करते हैं, इधर इधर ही कंपन करते हैं, मतलब ज्यादा दूरी में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इनके जो अवयव कणों के मध्य की दूरी क्या हो जाती है,
अव्यवपणों के मध्य की जब दूरी कम हो जाती है तो ये अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गमन करते हैं, और जब माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जब इनका संचलन होता है या कंपन होता है, इस वजह से ये आप कैसे होते हैं प्रवृत्ति में कठोर होते हैं। तो ये तो हुई ठोस की एक वैश्विक जानकारी। अब ठोसों का अगर गुण लिखना चाहे या गुणों के बारे में हम अध्ययन करें तो कुछ गुण जो है हम ठोसों के लिख सकते हैं, देखते हैं कैसे। ये तो ठोस की संकल्पना को देखा आपने, अब ठोसों के गुण अगर अपन देखना चाहे तो किस प्रकार से ठोसों के गुण होते हैं। मुख्य तो देखते हैं ठोसों के गुण। अगर गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ठोसों के क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो सबसे पहला ठोस क्या होते हैं, दृढ़ या कठोर प्रकृति, आकार या ज्यामिति, निश्चित होती हैं। दो गुण अपन इसमें देख लिए, क्योंकि ज्यामिति निश्चित होती है, आकार निश्चित, अर्थात पात्र के आकार का, पात्र के आकार का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं होता है। ये पॉइंट अपन ने लिख दिए। अब एक चीज इसमें देखेंगे, इनके अवयवकण के मध्य की दूरी अत्यंत कम या न्यून होती है। इनके अवयवकणों के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या होती है, कम होती है। इस दूरी को कहा जाता है अंतर आणविक दूरी। अंतर आणविक दूरी क्या होती है, कम। अब अंतर आणविक दूरी कम है तो अंतर आणविक जो बल लगता है, अंतर आणविक बल का मान सर्वाधिक। जब कणों के मध्य की दूरी कम होगी तो उनके मध्य जो लगने वाला बल होगा उसका मान क्या हो जाएगा, सर्वाधिक। अर्थात अंतर आणविक बल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। इसी वजह से ठोस क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। कठोरता का मुख्य कारण फिर कहीं ना कहीं जाके अंतर आणविक बल या अंतर आणविक कणों के मध्य की जाते हैं। अब बात आती है इनका घनत्व। अब बात आती है घनत्व, इनके कणों का घनत्व, कणों का घनत्व द्रव तथा गैसों की अपेक्षा क्या होता है मेरे साथियों, अधिक होता है। कैसे अधिक होता है कि अगर ठोस कठोर है तो उसके अवयवकण पास पास में, अवयवकण का पास पास में मतलब कि किसी एक निश्चित सीमा क्षेत्र में, किसी निश्चित सीमा क्षेत्र में अधिक से अधिक अवयवकण आ रखे हैं, जबकि द्रव अवस्था में थोड़े दूर होते हैं और गैस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ये अवयवकणों का मतलब क्लासिफाई करके पढ़ सकते हैं। और एक लास्ट जो होता है इनका कि अधिकांश ठोस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल सॉलिड, हम बात कर रहे हैं अधिकांश ठोस, अधिकांश जो ठोस होते हैं वो गर्म करने पर अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेते हैं। मैं पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, अधिकांश ठोस गर्म करने पर अवस्था में परिवर्तन कर लेते हैं। कहने का मतलब कि ठोसों का गलना होता है, उनको गलनांक देने पर, उनको उबालने पर ये अपनी अवस्था में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। और अगर गलनांक की बात करें तो गलनांक किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों वह ताप जिस पर कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, जिस पर कोई ठोस अपनी अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है वह उसका गलनांक कहते हैं। या यदि हम इसको एक सामान्य भाषा में समझना चाहे साइंस से हटकर, गलने के अंक को मतलब कि वह अंक जिस पर कोई ठोस है वो गल जाता है अर्थात अपनी अवस्था में परिवर्तित कर लेता है वह उसका गलनांक कहलाता है। तो ये हो गई बात ठोस के बारे में, ठोसों के गुणों के बारे में। अब आगे ठोसों को भी
फर्दर क्लासिफाई किया गया, वर्गीकरण किया गया है चार प्रकार के ठोस जो है रक्षा बारे में हम अपन देखते हैं आगे इसके बारे में। ठोसों का वर्गीकरण, एक ठोस होता है आयनिक ठोस, दूसरा होता है आण्विक ठोस, तीसरा है सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, और चौथा जो हम पढ़ते हैं धातु। ये चार प्रकार के ठोसों के बारे में हम बेसिकली इसमें जान के लेते हैं। ठोसों के वर्गीकरण चार प्रकार से बांटा गया है, आयनिक ठोस, आण्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस, और लास्ट में इसको कहते हैं धात्विक ठोस। अब इनको अलग अलग इकाइयों को अलग अलग रूप से हम देखते हैं या पढ़ते हैं। इस सबसे पहले अगर हम आयनिक ठोस के बारे में बात करते हैं, फिर आण्विक के बारे में, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस के बारे में, और धात्विक ठोस के बारे में। और साथियों मैं एक चीज बताऊं आपको, इनके साथ साथ के जो ये हम कंटेंट्स पढ़ा रहे हैं इनको हैंड रिटन नोट्स के आपको पीडीएफ के माध्यम से ग्रुप के अंदर भेज दिए जाएंगे, जिनको आप अच्छे से स्टडी करके अपने केमिस्ट्री की फेयर कॉपी में विद्यालय की जो कॉपी डाल रखी है आपने केमिस्ट्री की उसके अंदर उसको एकदम सुचारू रूप से सही ढंग से सुव्यवस्थित रूप से उसके अंदर पूरा रिटर्न नोटिस कर नोट कर लेना। जैसे ही हमारे स्कूल खुलने के संकेत मिल रहे हैं उसी रूप में, अगर उसी श्रेणी में जैसे स्कूलें खुलती हैं तो हमारे द्वारा पढ़े गए ऑनलाइन की जो ये चीजें हैं सब ये सब हम आपकी कॉपी में चेक करेंगे। इसलिए साथ जुड़ना होगा क्योंकि अभी आप देख रहे हो इस साल का जो रिजल्ट बन रहा है उसके अंदर कॉपियों का योगदान भी काफी है, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से एक डरा रहा है कि साइंस वाले बच्चे से लोग ने नोट्स पढ़ लिए, ज्यादा लिखने में ध्यान नहीं देते हैं या फिर ज्यादा उसमें नोट्स को ढंग से प्रिपेयर करने में ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं बस पढ़ा दिया लिख लिया हमने, बस पढ़ना ही तो है नहीं, एक व्यवस्थित ढंग होना चाहिए हमारे काम का कि हमने किस चीज को कहाँ रखा है, किस चीज को किस रूप में हमने कहा व्यवस्थित किया है, कहीं डायग्राम आएगा तो उसका अच्छे से डायग्राम होना चाहिए, अगर हम नोट्स मेंशन कर रहे हैं तो हमारा हेडिंग अलग होनी चाहिए, पॉइंट्स अलग होने चाहिए, सब पॉइंट अलग होने चाहिए, इस रूप में हमारा जो काम है वो क्या होना चाहिए व्यवस्थित होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं आयनिक ठोस, हम आगे की जो हम बात करते हैं वो इसके बारे में बात करते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जो होते हैं वो उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक वाले ठोस होते हैं, इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो क्या होता है उच्च होता है, और इनके अंदर जो अभिविकरण होते हैं वो कौन होते हैं आयन होते हैं, इनके अभिविकरण जो होते हैं वो इनके आयन होते हैं, और अभिविकरणों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है, कैसा बल होता है प्रबल वैद्युत आकर्षण बल इनके अभिविकरणों के मध्य पाया जाता है, और जो आयनिक ठोस होते हैं वो भंगुर प्रकृति के होता है, भंगुर प्रकृति का मतलब होता है इनके अंदर चोट करने पर ये टुकड़ों में फट जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, टूटने की प्रकृति इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। और ठोस अवस्था बात कर रहा हूं, ठोस अवस्था में विद्युत क्या होते हैं कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें आण्विक इकाइयां नहीं पाई जाती, कैसी इकाइयां नहीं पाई जाती आण्विक इकाइयां नहीं होती, इनमें आयनिक इकाइयां पाई जाती हैं, और ये गैसीय अवस्था में मूल रूप को छोड़कर अन्य रूप में परिवर्तित होते हैं, और एक अंत में इनके लिए अपन बात कर सकते हैं ये कैसे ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, कैसे ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके बारे में यदि हम थोड़ा बहुत लिखकर देखना चाहें तो देखो आयनिक ठोस, आयनिक ठोस के बारे में पहला पॉइंट अगर हम लिखना चाहें उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले ठोस, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है उच्च होते हैं मेरे साथियों, और दूसरा पॉइंट इसके बारे में बोल सकते हैं इनके जो अवयवी कण कौन होते हैं आयन होते हैं, कैसे कौन होते हैं आयन होते हैं, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, कैसी प्रकृति के होते हैं भंगुर प्रकृति, भंगुर प्रकृति का मतलब होता है चोट करने पर टूट कर बिखर जाते हैं, ये दृढ़ ठोस होते हैं, उच्च गलनांक होते हैं ये दृढ़ ठोस होते हैं, दृढ़ ठोस होने की वजह है इनकी जो अभिविकरण है वो कैसे होते हैं आयन होते हैं, ये वैद्युत के कुचालक, अगला पॉइंट लिख सकते हैं ये वैद्युत के कैसे होते हैं कुचालक, क्योंकि इनमें आण्विक इकाइयां नहीं होती, कैसी इकाइयां नहीं होती आण्विक इकाइयां नहीं पाई जाती, इसलिए ये वैद्युत के कैसे होते हैं कुचालक होते हैं, और इनके आयनों के मध्य, इनके आयनों के मध्य प्रबल
विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाया जाता है। और एक बार इसके लिए ये एक प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, कैसे ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये एक प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये होते हैं आयनिक ठोस के बारे में। आज का हम वीडियो यहाँ तक बनाते हैं, इसके आगे धीरे धीरे कंटिन्यू में करते हुए टाइम बढ़ाया जाएगा, वीडियो का टाइम और कंटेंट का टाइम भी बढ़ाया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द अपने सब्जेक्ट से जुड़ते रहें, सब्जेक्ट का जितना होमवर्क दिया जा रहा है, जो चीज आपको लिखवाई जा रही है उसको कंटेंट के अंदर अच्छे से मेंटेन करते जाए, क्योंकि अब की हुई मेहनत, अभी विपरीत परिस्थितियों में की गई मेहनत आने वाली परिस्थितियों में आपको एक सफलता के अच्छे मुकाम तक लेके जाएगी। क्योंकि अभी जितनी खामोशी से शांति से आप जो मेहनत करोगे इस चीज में लग जाओगे तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देगी। क्योंकि अभी कुछ लोग जो हैं, कुछ सामान्य विद्यार्थी हैं जो अभी अंदर स्कूल की अगर बात करें तो कुछ सामान्य विद्यार्थी जो है अभी अपनी मौज मस्ती में व्यस्त है, उनको पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया कोविड की वजह से, तो भूल भुलैया में जा चुके हैं, स्टडी में हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपको इस प्रकार से नहीं बनना है, आपको कंटिन्यू अपने मन के अंदर एक इंटेंसिटी होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि नहीं मुझे मेरे सब्जेक्ट को तैयार रहना, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे इतने घंटे डेली के पढ़ाई को देने हैं, मतलब देने हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।